हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे दिल्ली लर्न वॉइस को। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट होगा। जी हाँ, मैं आज हूँ जाजपुर में और देखिए जाजपुर स्टेशन जस्ट यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर से भी कम है और यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे है एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है कोरई। जी हाँ, कोरई। मैं आज थोड़ा सा बोर फील कर रहा था तो सोचा क्यों नहीं आप लोगों को यहाँ से मैं बाई फुट और जितनी भी ट्रेनें क्रॉस हो रही है उसको देखते हुए कोरई जाते हैं और कोरई में कैसा क्या फील है। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ खेत का जो नज़ारा है ना वो अलग ही है, जो खेत का नज़ारा है और बगल में रेलवे ट्रैक है। और आप देखते हैं मौसम क्या खुशनुमा हो रखा है, मतलब कि अभी कुछ देर पहले बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद से यह सामान खुल चुका है। सामने देखते हैं ये फ्लाई ओवर ब्रिज है और सामने भी ओवर ब्रिज बन रहा है। आप जो रास्ता देख सकते हैं जिसमें मैं खड़ा हूँ, यहाँ से एक और रेलवे ट्रैक गुजरेगा जिसमें या तो फिर फ्रेट गाड़ियों के लिए दिया जाएगा या फिर नॉर्मली आप एक्सप्रेस के लिए दिया जाएगा। फिलहाल ये जो रूट देख रहे हैं चेन्नई हावड़ा मेन लाइन है। जी हाँ, चेन्नई हावड़ा मेन लाइन है। अगर हावड़ा से चेन्नई की ओर जाते हो तो इसी ट्रैक से आपको होकर गुजरना पड़ेगा या फिर विशाखापट्टनम भी जाओगे तो आपको इसी ट्रैक से गुजरना पड़ेगा। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ के खेतों में ना, खेत तो नहीं कहूँगा मैं इसे, आप इसको मान सकते हैं कि ये पड़ती जमीन है जहाँ पे पानी लगा पाउंड है। टाउन फेमस हुआ करता था पर जब से जाजपुर रेलवे स्टेशन बना है ना, जाजपुर रोड, तब से ये जाजपुर रोड ही ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि यहाँ से केंद्र के लिए मेन रोड गुजरा है। ये सामने देख सकते जो हमारा हाईवे केंद्र की ओर निकलता है और यहीं पर दो सिनेमा हॉल, एक सस्ती मल्टीप्लेक्स और एक जगन्नाथ पैलेस प्लेस, तो भाई ये थोड़ा ज़्यादा वायरल हो चुका है। और बस स्टैंड छोटा सा यहाँ पर रेलवे स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म्स है पर मेन जो टाउन है, जो मेन है ना, वो जाजपुर टाउन वो यहाँ से 43 किलोमीटर के आसपास है। तो आप लोग कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना रहे। पर हाँ, टाटा स्टील, GSW, वीजा कंपनी, जितनी भी कंपनियाँ हैं, फिर नीलांचल इस्पात हो या फिर मॉस्को हो, सब आपको यहाँ पे जाजपुर रोड को करके दुबई तक जाना पड़ेगा जो कि यहाँ से 20-30 रुपये का नॉर्मल ऑटो का फेयर है। तो आपको यहीं से ट्रैवलिंग करके जाना पड़ेगा। चलिए फिर चलते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आगे का आपको ना बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन दिखाने वाला है। आपको वो एक सामने घर दिख रहा होगा, सामने बस मैं इस चीज़ जान के अस्तंभित हूँ कि भाई उस घर में लोग जाते कैसे हैं। मैंने अभी 3 तरफ से तो उसका रास्ता देखा है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा कि कैसे जाते होंगे वहाँ पे। अरे पता नहीं, ये भी छोटा सा रास्ता कहीं से होगा पर यार उसको चारों तरफ पानी से गिरा है, पता नहीं यार कैसे रह लेते यार। एक तो मैंने तालाब में बहुत ज़्यादा स्नैक्स देखे हैं, जी हाँ, वाटर स्नैक्स है। या फिर मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो मैंने स्नैक्स देखा था आपका, इसको बोलते हैं हरा हुरहुरा सा स्नैक्स जो भी होता है। और यही है वो हाईवे है जो कि पानी कोयली कोलकाता झारखंड को जोड़ता है। और अभी मैं जस्ट इधर से आया हूँ, इस साइड से, और मुझे थोड़ा भी और जाना है। कोरई स्टेशन आपको शायद दिख रहा हो पर मुझे तो नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आगे है करीब। यहाँ से मुझे 1 किलोमीटर भी और आगे जाना पड़ेगा, मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर लग रहा और आगे जाना है। और जो मैं जा रहा हूँ वो पैदल ही जा रहा हूँ तो मुझे काफ़ी एक्साइटेड। और मुझे ख्याल से मैं करीब 25 मिनट से चल रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई ट्रेनें इस रूट पर नहीं दिखी हैं। हाँ, जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी ना तो मुझे एक ट्रेन दिखी थी हावड़ा यशवंतपुर, क्योंकि स्टॉपेज नहीं, जब तक मैं फ़ोन का कैमरा निकालता तब तक वो ट्रेन गुजर चुकी थी। चलिए फिर चलते हैं और फिलहाल मैं ट्रेन को देखते हुए, और ये अप लाइन है, यह सब ट्रेनें आएंगी, अप लाइन होके ही मैं सीधा जा रहा हूँ अपनी मंजिल की ओर। वो डाउन लाइन है, इधर से गाड़ी आएगी और ये अप लाइन इधर से गाड़ी आएगी। और एक बात आप लोगों को और है कि आप लोग कुछ नहीं, सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने कर रखा है तो एक छोटा सा सहयोग और कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है। अरे मैं अप्रोक्स 6,600 करीब मेरे सब्सक्राइबर अभी फ़िलहाल है, उसमें से अगर 10-20 सब्सक्राइबर भी ज्वाइन बटन प्रेस कर देते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा। और फिर मैं आगे बढ़ के आप लोगों को अच्छा अच्छा प्लेस एक्सप्लोर कराऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट कुछ और आगे चल के है, कुछ नया, कुछ यूनिक करने का। तो यार चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ ज्वाइन बटन भी प्रेस कर लीजिए। और करीब 1 किलोमीटर सड़क पर चलने के बाद मैं फिर से आ गया हूँ रेलवे ट्रैक से ही यहाँ, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस। और अभी भी यहाँ से देख सकते हैं करीब 2 किलोमीटर के आसपास आपको शायद नहीं दिख रहा हूँ डिस्टेंस, और मैं शायद वहाँ तक कवर ना कर पाऊँ
क्योंकि आज शाम भी हो रहा है और मुझे फिर से इसी रास्ते से ही वापस जाना है, जो कि पॉसिबल तो नहीं लगता है। क्योंकि देखिए मेरे पास दो फ़ोन है, शहर की नया हूँ, जहाँ तक मैं ट्रैक कर सकता था कर लिया। अगर यही रोड होता या फिर एज अ नॉर्मल सिटी होता ना तो फिर मज़ा आता। ये गांव है, इसके सामने खेत वगैरह पूरा है, इधर भी खेती बैक टू बैक, इधर भी खेती है पूरा। आपको दिख नहीं, ये सब खेत है, ये सारे धान के खेत लगे हैं, सारे धान के ही खेत है। बच्चे स्कूल से आए हैं और एक ट्रेन आ रही है, शायद ये गुड्स ट्रेन है। ट्रेन जो है, मैं पहले सेफली स्थान पहुँच जाता हूँ, जैसे ट्रेन नहीं फिर भी मैं सेफ प्लेस में पहुँचता हूँ और फिर ट्रेन का डिपार्चर दिखाता हूँ आप लोगों को। पर ये ट्रेन जो है वो गुड्स ट्रेन है। जस्ट एक ट्रेन गुजरने के बाद मैं इसी ट्रैक से, जी हाँ, अब मेरे लिए ये अपलाइन हो गया, ये डाउनलाइन हो गया। अब जो ट्रेन इधर से आएंगी उधर से आएंगी वापस रूम की ओर, और आगे सिग्नल नहीं है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं जस्ट एक ट्रैक पे छोटा सा निकला था, विजिट कर रहा था, गाँव घूम रहा था। उड़ीसा के छोटे छोटे गाँव मैंने अभी तक घूमे नहीं है। और अब देखते, ये सामने पॉन्ड्स है, कुछ तालाब है, बरसात का पानी काफ़ी ज़्यादा भरा पड़ा है। सामने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिज, और मौसम देखिए क्या मस्त नज़ारा, सनसेट हो चुका है और सही है, हुआ नहीं है, हो रहा है, क्योंकि अभी बादल लगा इसलिए पता नहीं चल पा रहा है वहाँ पे। और इधर से ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, चलिए चलते हैं वापस। शायद यार कोई ट्रेन यहाँ रुक जाती तो मैं चला जाता। हो, दोनों तरफ धान के खेत है, इधर तो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के उस तरफ भी धान के खेत है। और मैं ट्रैक छोड़ के आ चुका हूँ रास्ते पे, क्योंकि रास्ता ज़्यादा सेफ है रेलवे ट्रैक के कंपैरिजन। बट कुछ देर के बाद, जी हाँ, थोड़ा आगे के बाद मैं फिर से ट्रैक पर ही आऊँगा। सो ट्रैक पर नहीं, बगल से रास्ता है तो रास्ते पर आ जाऊँगा। और भैया एक ही चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो ब्लॉग है, कोई पर्टिकुलर विशेषज्ञ मैंने एक एक्सप्लोर नहीं किया, बस मैं एक छोटा सा स्पेस गांव विजिट किया हूँ, कैसा है, क्या क्या लगा है। जो गांव था वो कोरई गांव था, जी हाँ, जाजपुर से 5 किलोमीटर पहले आपको कोरई पड़ेगा। यहाँ से 4 ट्रेनें ओरिजिनेट तो नहीं होती है, क्रॉस करती मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर भुवनेश्वर, बालेश्वर, भद्रक, कटक और खुर्दा, खड़गपुर खुर्दा और जाजपुर, खड़गपुर जाजपुर, जी हाँ, टोटल ये ट्रेन यहाँ स्टॉपेज है। और शायद कोई ट्रेन आ रही है सामने से, मैं उसका आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ, डिपार्चर दिखाता हूँ। चैनल को या सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और सामने देखिए ये हाईवे, ये सॉरी जो फ्लाईओवर है ना, ये हाईवे है, क्योंकि और अर्ली मॉर्निंग उठा खाने की इच्छा की आलू का पराठे, बट आलू का पराठा का जो रेट था ना, वाह,
वो देख के तो ऑलरेडी पेट भर गया जी। हाँ हाँ भाई, 66 रुपीज़ पर पीस, और मैं तो भाई खाता हूँ कम से कम 5 या 6 जिसी जमा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट डिश है। तो चलिए फिर डिपार्चर देखते हैं ट्रेन का, जो कि सामने से ही आ रही है। फेवरेट ट्रेन है, कोई बड़ी बात नहीं। ये भाई किस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, किस रास्ते से मैं आया था, आप लोग लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। अभी इधर से आया था, ये पूरा रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो पूरा का पूरा मतलब कि बारिश हुई है ना, तो रास्ता पूरा ख़राब हो चुका है। अभी इनमें से मैं जा रहा हूँ, अगर पैर स्लिप हुआ तो आपका भाई सीधा का सीधा नीचे ही जाएगा। ओ भाई 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 भाई, फोन भी आया और पैर भी स्लिप किया, अभी तो मैं बच गया, वरना भाई मैं तो गया था नीचे। नीचे जाता तो फोन भी जाता, बच गया आपसे, आपके ब्लॉक के चक्कर में मैं बसता चला गया। चलिए, घर की बात कर रहा था ना, वो घर, ये दोनों घर है जी हाँ, ये दोनों घर का एंट्रेंस किधर से मुझे पता नहीं चला, मैं आगे भी गया था, इधर से मुझे एंट्रेंस नहीं मिला। और चारों तरफ ये देखिए आप, जलकुंभी लगा हुआ है चारों तरफ, और किधर से इसका एंट्रेंस है आप देखिए, मुझे पता है इस घर से उस घर में जाने का एंट्रेंस रास्ता बीच में छोटा सा रास्ता दे रखा है, पर आगे क्या है मुझे तो अभी तक नहीं दिखा। चलिए फिर, बहुत टाइम लिया है मैंने आपका, अगर आपको मेरी ये बकवक पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आज का कुछ जो वीडियो का जो मेन मकसद था ना, वो था टेस्ट, जी हाँ टेस्ट लेना था, वो टेस्ट हो गया है। अब देखता हूँ वीडियो कैसा आता है, नहीं आता है चैनल पे, अगर नहीं है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आशा करता हूँ, हाँ जो भी जाजपुर से है वो मुझे सजेस्ट करे कि मैं कहाँ जाऊँ। और थोड़ा तबीयत ठीक होने पे एक वाटरफॉल है बगल में, अशोक झर, करीब 30-35 किलोमीटर पे है, उसको सोच रहा हूँ कवर करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और हाँ, सब्सक्राइब के बगल वाले बटन में ज्वाइन बटन होगा, वहाँ पर जाइए और एक छोटा सा सपोर्ट अपना दिखाइए, और भाई को सपोर्ट कीजिए भाई। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।